नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। देवी देवता अपने भक्तों की तपस्या के अनुसार और उनकी परीक्षा लेने के बाद उन्हें वरदान प्रदान करते हैं। वहीं ऋषि महात्मा भी देवी देवताओं की परीक्षा लेने में भी संकोच नहीं करते थे। एक बार त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु व भगवान महेश में कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है, इस पर गहन चर्चा की गई, परंतु कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इसका आंकलन करने की जिम्मेवारी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु जी को सौंपी गई। तो आइए आपको बताएं कि महर्षि भृगु ने आखिर कैसे त्रिदेवों की परीक्षा ली। कौन थे महर्षि भृगु? महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा जी के मांस पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल में से एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में वह भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। महर्षि भृगु ने कैसे ली त्रिदेवों की परीक्षा? महर्षि भृगु ने परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी से की। पिता के पास पहुंचने पर ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण भगवान ब्रह्मा जी का मुख अंगारे के समान लाल हो गया। कुछ कहने से पहले उनके मन में ख्याल आया कि भृगु मेरी ही संतान है, इसलिए अपने क्रोध को दबा लिया। भगवान ब्रह्मा जी से मिलने के बाद वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंच गए। देवों के देव महादेव भगवान शंकर ने देखा कि महर्षि भृगु आ रहे हैं, तो वह प्रसन्न होकर अपने आसन से उठकर उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, किंतु महर्षि भृगु उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके आलिंगन को अस्वीकार करते हुए बोले, भगवान आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, इस कारण सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, तो भगवती सती ने उन्हें रोककर उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक चले गए। वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। महर्षि भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से खड़े होकर प्रणाम कर उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपको पैर पर चोट तो नहीं लगी? आइए आप इस आसन पर विश्राम करें। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के इस प्रेम व्यवहार को देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद वह वापस ऋषि मुनियों के पास लौट आए और उन्हें समूचे घटनाक्रम व अनुभव से अवगत करवाया। सभी ऋषि मुनियों के सभी संदेह दूर हो गए। सभी भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। यह समूचा घटनाक्रम ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए किया था। तो दोस्तों, यह थी महर्षि भृगु द्वारा त्रिदेवों की ली गई परीक्षा से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।